दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे, लेकिन अच्छी बात यह है कि दिल्ली में हालात अभी भी काबू में। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में बेड उपलब्ध हैं, तो वहीं केजरीवाल सरकार ने सर्वे भी शुरू कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि कैसे दिल्ली को महामारी से बचाने के लिए उन्होंने केंद्र सरकार के साथ प्लान बनाया। पूरी दुनिया से, जब पूरी दुनिया के अंदर कोरोना फैला हुआ था, खासकर जिन जिन देशों में कोरोना फैला हुआ था, वहां से भारतीयों ने कहा कि वो अपने देश वापस लौटना चाहते हैं। केंद्र सरकार ने सही निर्णय लिया और उन सब लोगों को वापस अपने देश लाने के लिए फ्लाइट्स का इंतजाम किया। मार्च के महीने में विदेशों से, खासकर उन देशों से जहां पर कोरोना ज्यादा फैला हुआ था, 35,000 लोग दिल्ली आए। इन लोगों को एयरपोर्ट पे स्क्रीन करते थे, देखते थे कि बुखार है क्या। कुछ चंद लोग जिनको बुखार था, उन्हें आरएमएल सफदरजंग में भर्ती कराया और बाकी सबको घर भेज दिया। कुछ लोगों को क्वारंटाइन किया था, लेकिन अमूमन 35,000 लोगों को घर भेज दिया गया। जाहिर है कि ये जितने लोग अपने अपने घर गए उस टाइम, और ये सब उन दिनों कोरोना के बारे में जानकारी कम थी, गाइडलाइंस कम थी, ये सब लोग अपने अपने घर गए, और जाहिर है कि एक से दूसरे को, दूसरे तीसरे को कोरोना फैलता गया। उन दिनों में तो टेस्टिंग किट भी अवेलेबल नहीं थी, उन दिनों में तो टेस्टिंग लैब भी नहीं थी, टेस्टिंग भी नहीं हो पाती थी। फिर लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन की वजह से लोग अपने अपने घरों में थे, इसीलिए कोरोना थोड़ा कम फैला। मई के अंतिम हफ्ते में जब लॉकडाउन खुलना चालू हुआ, तो उम्मीद थी कि कोरोना थोड़ा फैलेगा, कोरोना थोड़ा बढ़ेगा। 15 मई के आसपास से हम देखते हैं कि दिल्ली के अंदर कोरोना बड़ी तेजी से बढ़ने लगा। जब लॉकडाउन खुला, तो ऐसा उम्मीद थी कि कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, लेकिन कोरोना के केसेस उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़े। और जून के पहले हफ्ते में आते आते, फर्स्ट वीक ऑफ जून में, दिल्ली के अंदर हमें बेड्स की कमी नजर आने लगी, टेस्टिंग की कमी नजर आने लगी, और बेड्स की कमी होने की वजह से जब कुछ लोगों को बेड्स नहीं मिल पा रहे थे, तो मौत का आंकड़ा भी बढ़ने लगा। तब हमारे पास दो ऑप्शंस थे। एक ऑप्शन था लॉकडाउन दोबारा लगा दिया जाए, हमने बहुत सारे लोग, दूसरा ऑप्शन था कोरोना से लड़ा जाए। जनता से पूछा, जनता का कहना था कि लॉकडाउन कब तक रहेगा, कभी ना कभी तो लॉकडाउन, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक महीने बाद, दो महीने बाद लॉकडाउन तो खोलना पड़ेगा। तो निर्णय लिया गया कि कोरोना से लड़ेंगे, कोरोना से मिलके सामना करेंगे, सारी दिल्ली के लोग मिलके कोरोना का सामना करेंगे, कोरोना से युद्ध करेंगे।